C7 News के इस भाग के प्रायोजक हैं साहिल होंडा। कोई भी दुपहिया वाहन खरीदने के लिए पेमेंट करें पेटीएम से और पाएं 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। साहिल होंडा में आपका स्वागत है। सागर शहर का सबसे बड़ा टू व्हीलर मोटरबाइक शोरूम आपकी सेवा में तत्पर। एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ लें सुखद टेस्ट ड्राइव का आनंद। एक्सचेंज फैसिलिटी, ले आइए कोई भी पुरानी गाड़ी और ले जाइए न्यू ब्रांड होंडा। होंडा शाइन, होंडा क्लिक, होंडा एक्टिवा, होंडा एक्स ब्लेड। पेमेंट कैश या बैंक फाइनेंस सुविधा के लिए चुने मन चाहा बैंक। इंश्योरेंस सर्विसेज, इजी पेपर वर्क और गाड़ी आप। अब आप चलाएं गाड़ी और हम रखेंगे आपकी गाड़ी का खर्च। और इतना ही नहीं, अब आप इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आपके नजदीकी साहिल होंडा शोरूम सेंटर में। सागर, कुरई, बीना, कड़ाकोटा, बंडा, बांदरी, रहली, गौर झामर, देवरी, राहतगढ़, शाहगढ़, यानी पूरे मध्य प्रदेश में हम आपकी सेवा में तत्पर, क्योंकि हम हैं साहिल होंडा। साहिल होंडा, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश। सागर श्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागर श्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागर श्री मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अधिकृत एकमात्र हॉस्पिटल। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने अपनी गृह नगरी गढ़ाकोटा में जैन धर्म की जमकर तारीफ की। इन्होंने साफ कहा कि तमाम देशों के सभी धर्मों में सिर्फ जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें क्षमा पर्व का आयोजन होता है। मौका था धर्म और अध्यात्म की नगरी गढ़ाकोटा में क्षमा वाणी पर्व का। सकल दिगंबर जैन समाज ने नगर में भगवान महावीर की भव्य विमान शोभा यात्रा निकाली और फिर क्षमाधाम प्रांगण में क्षमा पर्व पर बृहद कार्यक्रम आयोजित किया। इस पूरी पृथ्वी पर 200 देशों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, जितने भी धर्म विद्वान हैं, इन धर्मों में पूज्य दीदी जी की प्रणाम क्षमा चाहता, जितने भी धर्म प्रचलित हैं इन धर्मों में सिर्फ एक ही धर्म है, जैन धर्म, जिसमें तमाम खबरों के लिए जुड़िए C7 न्यूज के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, जी हाँ, तभी तो पहुंचेगी हर खबर आप तक।